Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi, I'm a law of attraction coach, tarot card reader and Usui Reiki healing master. Hu. Night rituals kya hai? And night rituals jo hai wo kise follow karna chahiye? Kaun hai jo night rituals follow kar sakta hai law of attraction mein? Aaj uske baare mein main baat karne wali hu. So, agar aap law of attraction follow karne wale insaan ho, agar aap spiritual insaan ho, to आपको मॉर्निंग रूटीन भी बनता है, मॉर्निंग रिचुअल्स भी बनते हैं एंड नाइट रिचुअल्स भी बनता है जिसे आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, ठीक है। मॉर्निंग रिचुअल्स के बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर लिया है, आज मैं नाइट रिचुअल्स के बारे में बात करने वाली हूँ। नाइट रिचुअल्स यानी कि रात को सोने से पहले आप क्या क्या चीज़ें करते हैं ताकि आपकी नेक्स्ट डे आप पॉजिटिव फ्रेश उठें एंड आपकी नेक्स्ट डे भी बहुत अच्छे से जाए, नेक्स्ट डे भी आपकी लाइफ की बेस्ट लाइफ हो। तो आप नाइट रिचुअल्स में ऐसे क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं या क्या आपको करना चाहिए? सबसे पहले तो मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना है कि आप नाइट रिचुअल्स में क्या क्या करते हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, आप कोई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी नाइट रिचुअल्स क्या क्या है? तो अगर आप कोई आपकी कोई नाइट रिचुअल्स हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेशन में बताएं ताकि और भी लोग इसे जान सके एंड मैं खुद जान सकूं कि आपकी कौन से से हटके नाइट रिचुअल्स हैं जो आप फॉलो करते हैं। सो मेरे हिसाब से मैं बता देती हूँ नाइट रिचुअल्स क्या क्या होने चाहिए और क्या क्या मैं चीज़ों को करती हूँ, वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ नाइट रिचुअल्स में। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको भी करने की ज़रूरत है। नंबर वन, जल्दी खा लेना। जो डिनर होता है वो जल्दी करना होता है, ठीक है। 7:30, 8 o'clock, मैक्सिमम 8:30 आपका जो डिनर होता है, रात का खाना होता है, वो ये टाइम पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये टाइम पे आपको खाना खा लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप लेट नाइट तक खाते हैं तो आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है एंड इन फ्यूचर जाके भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसीलिए अभी से आप अपने जो खान पान है इसमें आप ध्यान दें एंड 7:30, 8 o'clock या 8:30 मैक्सिमम आप अपना डिनर जो है वो कर लें। सेकंड, आप डिनर बहुत लेस क्वांटिटी में खाएंगे, बहुत ज़्यादा कम खाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाना चाहिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात से लेके सुबह तक का खाने के इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप जब सुबह ब्रेकफास्ट खाते हैं वो आपका ज़्यादा क्वांटिटी होना चाहिए, देन आपका लंच उससे थोड़ा कम क्वांटिटी होना चाहिए एंड जो डिनर होता है वो आपका बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ठीक है। तो जो डिनर आप करते हैं वो कम कीजिएगा, डिनर कर लीजिए, कम कर लीजिए एंड ये चीज़ में आपकी वेट लॉस में भी इफ़ेक्ट गिरता है। सीरियसली, जब आप रात का खाना कम खाते हैं एंड पानी ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, तो आपकी वेट लॉस भी होती है एंड आप जो होता है ना प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होती है। तो ये एक आप कर सकते हैं। सेकंड, जब आपका खाना खा के हो जाता है, जब आपने कम क्वांटिटी खा लिया होता है खाना, डिनर आपने कर लिया होता है, चाहिए तो आप वॉक पे जा सकते हैं। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो खाना खाने के बाद आप वॉक पे जा सकते हैं, नेचर के साथ मिल सकते हैं या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहाँ पर पूरे दिन का जो थकान होता है आप उसे निकाल के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड हैप्पी मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। फ़ोन को अलग रख दीजिए, प्लीज़ फ़ोन को अलग रख दीजिए, क्योंकि सुबह से लेके पूरा दिन हम मोबाइल में, कंप्यूटर में, ये सारी चीज़ों में रहते हैं, गैजेट्स में रहते हैं। तो ट्राई करो रात का जो समय होता है, रात का जो टाइम होता है, वो अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने का। बस घर पे एक माहौल बना लो, अपने फैमिली से बात करो एंड उनके क्लोज आ जाओ, उनसे हैप्पीली रहो। जब आप फैमिली से टाइम स्पेंड करते हो आपकी लाइफ भी बहुत हैप्पीली जाती है, जो कि ये सुधार मैंने किया है अपने लाइफ में एंड ये चीज़ आप कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप, जैसे मैंने बताया, आप नीचे जा सकते हैं वॉक के लिए, ठीक है, आप वॉक के लिए जा सकते हैं। आधा घंटा आपने वॉक कर लिया, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, उसके बाद वापस से घर पे आ सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो, अगर आपने जो ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर आप सुबह नहीं लिख पाते हैं,
वो आप रात को लिख सकते हैं, ग्रेटिट्यूड जर्नल। ठीक है, ग्रेटिट्यूड जर्नल में 10 पॉइंट्स बना लीजिए जो पूरे दिन में अच्छे अच्छे चीजें हुए हैं, पॉजिटिव पूरे लिस्ट में बना लीजिए, वो ग्रेटिट्यूड जर्नल में आप लिखना। ये आप एक कर सकते हैं रात के समय में सोने से पहले। उसके बाद जब आपने खाना खा लिया 8:30 तक या आपने 7:30 तक आपने खाना खा लिया है, 2.5 hours के बाद आपकी डाइजेशन हो जाती है। ठीक है, डाइजेशन हो जाती है, उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं। वॉक पे जाके आ गए, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख लिया, अब आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन जब आप करते हैं तभी आप 15 to 20 minutes, जैसे आप सोने चले गए उस टाइम पे आपने सबको बता दिया मैं सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ, उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं 15 to 20 minutes। ठीक है, अपने ब्रेथ पे फोकस करना है। 15 to 20 minutes मेडिटेशन के बाद आप कंटिन्यू मेडिटेशन में ही कंटिन्यू करके आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं मेडिटेशन के साथ ही कि आपको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, सपोज आपको ड्रीम है आपका घर मैनिफेस्ट करना, तो आप देखो आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करते समय देखो वो घर कैसा है, कौन से फ्लोर पे है, किस तरीके का घर है, इस तरीके से आप विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड यही होता है रिचुअल, नाइट रिचुअल एक बना लेते हैं हम लोग कि ये चीज़ हम सुबह करेंगे, ये चीज़ हम शाम को करेंगे, एंड नाइट रिचुअल यही होता है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इफ यू आर अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलोअर यू शुड फॉलो दीज थिंग्स, क्योंकि ये चीज़ें आपको स्पिरिचुअली भी ग्रो करती हैं एंड आप खुद भी, आपकी जो सेल्फ ग्रोथ होती है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो आप ये सारे चीज़ें करें। अगर अभी देखो स्क्रिप्टिंग हम डेली नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको स्क्रिप्टिंग करनी है आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, और भी सारे जो टेक्निक्स हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, पूरे दिन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए 30 मिनट्स ज़रा टाइम दीजिए। 30 मिनट्स टाइम देने से ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लिमिटेड टाइम के लिए ही करना होता है, जैसे कि मेडिटेशन मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बताती हूँ जब मेडिटेशन करो उनका क्वेश्चन ये रहता है कितने दिनों तक करना है, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखो कितने दिनों तक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है, इस तरीके से इनके क्वेश्चंस होते हैं कि आप कोई टाइम फिक्स मत करो कि आपको इतने से इतने दिन तक ही आपको कोई चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, आप अगर ये चीज़ करते हो आप ये लाइफ लॉन्ग तक करना है, लाइफ लॉन्ग तक आप इसे प्रैक्टिस करो। एंड जैसे मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है, मैं गारंटी देती हूँ आपकी भी चेंज होंगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, मतलब हमेशा हैप्पी फील करोगे एंड काइंडनेस जो होता है ना, काइंडनेस ज़्यादा हो जाती है, क्या काइंडनेस ज़्यादा हो जाता है, केयरिंग जो मदर वाली फीलिंग होती है ना वैसी वाली फीलिंग आ जाती है, पता नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है सीरियसली। तो आप जब भी ये चीज़ें फॉलो करते हैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, लोगों के लिए भी सोचिए, लोगों को ब्लेस कीजिए। एंड नाइट रिचुअल्स में आप ग्रैटिट्यूड स्टोन भी रख सकते हैं कि पूरे दिन में आपके साथ क्या अच्छा हुआ है, उस स्टोन को रात को सोने से पहले अपने हाथों में रखिए एंड पूरे दिन में पूरा फ्लैशबैक सोचिए आप कि ये सारी चीज़ें मैंने किया है एंड इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को इस्तेमाल कीजिए, अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड को अपना लीजिए बस। ठीक है, एंड इसके भी एक अलग ही रिजल्ट्स हैं। एंड जब आप ये सारी चीज़ें डेली करते जाएंगे ना, आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आ जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली उस हाई वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेंगे एंड आपके कभी भी कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी, क्योंकि सोल्यूशन फिर अपने आप निकल आता है। तो जैसे मॉर्निंग रिचुअल होता है वैसे ही नाइट रिचुअल होता है। एंड मैंने मेरे हिसाब से मैंने नाइट रिचुअल बताया, जो मैं करती हूँ मैंने वो चीज़ें आपको बताई हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेशन में शेयर कीजिए एंड ये वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप स्टार्ट कर रही हूँ, ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। एंड ये वर्कशॉप हर महीने होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसमें आपके हर एक डिज़ायर्स के ऊपर हम काम करते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो नेगेटिविटी से बाहर ही क्यों ना आना हो, हर एक चीज़ ये 1 month की वर्कशॉप में है। एंड इसमें आपकी जो पर्सनल मैनिफेस्टेशन है उसमें भी हम
ध्यान देते हैं, आपको हेल्प करते हैं आपकी डिजायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। ये 1 मंथ का वर्कशॉप रहता है। अगर आपको ज्वाइन करना है आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कर सकते हैं या मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। एंड अगर आपको रेकी हीलिंग सीखना है कि रेकी से आप किस तरीके से अपने लोगों को हेल्प कर सकते हैं हीलिंग देके उनको ठीक करने में, ठीक है, तो आप वो भी सीख सकते हैं। उसकी भी कोर्सेज चालू हैं। 15 डेज का कोर्स होता है रेकी हीलिंग का। एंड अगर आपको हीलिंग भी चाहिए, जैसे कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव के लिए या फिर चक्रास बैलेंसिंग के लिए अगर आपको हीलिंग भी चाहिए तो हीलिंग भी दी जाती है। आपको इंक्वायरी करना है आप DM कीजिए मुझे, मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम आईडी पे, एंड ईमेल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। एंड आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। बाय बाय।